हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। ठीक है, किसके बीच में? काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। देखिए क्या है, देखिए ये है काइनेटिक एनर्जी और क्या लिखना है? मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। तो अभी हम लोग को देखना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी किसको कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी, तो देखिए द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तब उसमें एक एनर्जी पोजेस्ड हो जाता है। ठीक है, इसी एनर्जी को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? आगे देखिए, दोबारा बताते हैं क्या कहें। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर से सुनिए, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तब उस पर एक एनर्जी आ जाता है, उसी एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या है? मास है। वी क्या है? वेलोसिटी है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम ऐसा यूनिट का बात करेंगे, है तो ये एनर्जी, तो हम जानते हैं एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है। क्या होता है ऐसा यूनिट? इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। ठीक है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल, तो काइनेटिक एनर्जी है तो ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल। अगर सीजीएस का बात करेंगे तब क्या होगा? अर्ग। एनर्जी का सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मोमेंटम। ठीक है, क्या मोमेंटम? देखिए हम लोग मोमेंटम को पी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और सिंपल है, मोमेंटम का मतलब पता है क्या? नहीं, देखिए पढ़िएगा तब ना पता रहेगा। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, क्लियर है ना? इट इज डेनोटेड बाय पी। और अगर हम इसके एसआई यूनिट बात करेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज केजी मीटर पर सेकंड। देखिए फॉर्मूला से ही पता चलेगा इसका यूनिट के बारे में। ठीक है, देखिए मोमेंटम इक्वल टू होता है, देखिए पी से इंडिकेट किए, प्रोडक्ट ऑफ मास, यहां ध्यान दीजिए, मास एंड क्या? वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। देखिए तो मास क्या हो गया? केजी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट वेलोसिटी क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। नहीं, देखिए वेलोसिटी है तो इसका यूनिट का अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड, कब? ऐसा यूनिट का बात करते हैं। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। मीटर क्या चीज हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह से इसका यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? चलिए ठीक है, अब हमें देखना है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट करिए, समझ में आ गया होगा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। क्लियर है? अच्छा, मोमेंटम के बारे में एक बात याद रखिएगा, मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और यहां पर अगर हम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये मेरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? चलिए यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर है ना? देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी हमने देखा है ना? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हाफ एम हम क्या करेंगे, ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी, मतलब एम से डिवाइड किया और एम से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। ठीक, तो अब देखिए हाफ एम कितना? टोटल दो टो है और भी कितना? दो, तो कितना हो गया? एम भी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या चल रहा है? एम चल रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? हमने क्या किया, एम ऊपर रखा और एम एक नीचे रखा, उससे फॉर्मूला में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? अब सुनिए, अब हम जानते हैं, नाउ करके लिखते हैं मोमेंटम, जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? पी से इंडिकेट करते हैं।
तो मोमेंटम इक्वल टू होता है मास एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एम इंटू क्या हो गया वी हो गया, देखिए एम इंटू वी हुआ, ठीक है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, ध्यान दीजिए पी इक्वल टू एम इंटू वी, पी इक्वल टू एम इंटू वी, तब इसको आगे बढ़ाते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अब देखिए जहां एम वी है, एम वी के बदले क्या लिख सकते हैं पी, देखिए यहां पर हमने क्या लिखा एम इंटू वी, एम इंटू वी, तो यहाँ पी लिखा स्क्वायर तो स्क्वायर बाय, अब देखिए नीचे क्या है 2mn, ठीक है, तो क्या समझ में आया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m होता है, यहां तक समझ में आया ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, यही रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में, ठीक है। अब सुनिए, अगर मोमेंटम का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या होगा, चलिए इसके नीचे क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो पी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, तो पी स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो टू, चलिए इसको देखिए क्या है इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू एम, अगर हम स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या चढ़ेगा स्क्वायर रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू एम, समझ में आ रहा, यहां तक क्लियर है, तो देखिए यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू निकला पी स्क्वायर बाय टू एम, और यहां से मोमेंटम इक्वल टू निकला स्क्वायर रूट अंडर टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, बात समझ में आ रहा है, तो देखिए यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरह का बनता है, अब बढ़िया से समझिएगा, देखिए किस तरह का बनता है, आपके पास क्वेश्चन में गिवेन रहेगा मोमेंटम गिवेन है पी है और मास गिवेन है एम है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ध्यान दीजिए मोमेंटम रहेगा क्वेश्चन में, मास रहेगा क्वेश्चन में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आप सोचेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप क्वेश्चन में वेलोसिटी ढूंढेंगे तो कहां से निकलेगा, क्यों काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है मोमेंटम और क्या गिवन है मास, और आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी तो दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m, देख लीजिए मोमेंटम और ये मास, मोमेंटम और ये मास, बात समझ में आ रहा है, तो जहां ऑप्शन में अगर ये दिख जाए तो इसको टिक मार देना है, क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला निकल करके आया, बात समझ में आया ना, ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता, बढ़िया समझिएगा, क्वेश्चन ऐसे दे देता कि यहां पर इस बार फिर से समझिए, इस बार दे देता आपको कि काइनेटिक एनर्जी गिवन है और मास गिवन है, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या, काइनेटिक एनर्जी के ही है और मास क्या है एम है, तो मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा, तो देखिए अब देखिए मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट अंडर टू इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास, तो जहां पर ऑप्शन आपको ये दिखेगा इसको टिक मार देना है, मतलब क्या निकला पी इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनटू मास, ये बात समझ में आया, तो जहां ऑप्शन ये दिखेगा ये टिक मार देंगे, क्लियर है, तो आई होप समझ में आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है, क्लियर है, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।